हाँ जी दोस्तों, इधर ध्यान देंगे मुन्ना मुन्नी। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ लिया, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। एम आर पी टू पी सी, मैन पावर रिक्रूटमेंट, मैन पावर है ना, एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है ना, एम आर पी से प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और प्रमोशन और कंपनसेशन। तो हमने एम आर पी में से आर और कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ लिया, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल, और क्या पढ़ा था, सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या पढ़ लिया हमने सर, क्या पढ़ लिया सिलेक्शन में, सिलेक्शन का प्रोसेस, सुरों के ताज, रॉकस्टार माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन के भैया, तुमने वीडियो भी देख ली थी है ना, राइट। अब एम आर पी में से हमारा एम आर पी के सारा कॉन्सेप्ट हो गया, टू पी सी, पी सी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पी सी बहुत सिंपल है, पी से प्रमोशन होना है और सी से कंपनसेशन, आपको पैसा मिलना है। लेकिन एम आर पी टी से क्या बनता है सर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आज का मुद्दा यह कि एम आर पी टू पी सी में से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की कहानी हमें आज है ना समझनी है, शानदार तरीके से रिवाइज करनी है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात। सर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होगा, सर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात जो हम पहले भी जानते हैं, मैंने तुम्हें डॉन का एग्जाम्पल दिया था याद आ गया, यानी ट्रेनिंग, डॉन को ट्रेनिंग भी दी गई और डेवलपमेंट भी किया गया, ऐसी एक जने को और ट्रेनिंग दी गई और डेवलपमेंट किया गया, वो शानदार जानदार बंदा कौन था, बंदी कौन थी वो, ये है कि नहीं बात है ना, क्या कह रहा है, कह रहा है भाई लड़के ने थोड़ा सा ये थोड़ी गांव डांग टक्के से मॉडर्न बनाना है, थोड़े बहुत से कपड़े वपड़े चाल ढाल ठीक कर दियो, थोड़े बहुत ऐसे एक्टिंग सिखा दियो है ना भाई, ओके सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, ये डेवलपमेंट ज्यादा है भाई। ट्रेनिंग का तो मतलब हो गया क्या, कि जिस काम के लिए पर्सन को तैयार किया जा रहा है वो काम उसे आना चाहिए। मान लो अगर डांसर तो उसे क्या आना चाहिए, डांस आना चाहिए, क्योंकि इस पिक्चर में दिखाते हैं, मूवी पूरी देखो तो इस पिक्चर में दिखाते हैं कि ये कोई हाईफाई टाइप के डॉन टाइप के लोग नहीं होते, वहां तो हाईफाई टाइप के ये है ना डांसर थी, तो उसे है ना बढ़िया तरीके से बोलना, इंग्लिश बोलना, ये सब बोलना इस तरीके से आता था इसको। अब वो कहता है कि भैया इसकी शक्ल इससे मिलती होती है, वही डॉन पिक्चर की तरह। तक्ष कुमार कहता है कि भाई काम कर, ठीक है, उसका नाम होता मोना, भैया से क्या बनाना है, मोना बनाना है इसका, और वैसे नाम होता है उसका बसंती है ना, कि बसंती से क्या बनाना है इसे है ना, मोना बनाना। तो कहता है अगर तुझे काम कर देगा तो तुझे क्या करना, तुझे एक्टिंग सिखानी है, तुझे इसको खाना कैसे खा रहे भैया है ना, ये खाना खाना सिखाना है, ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश भैया से बोलनी सिखा दो कि इंग्लिश में बात कर पाए, सुन पाए, समझ पाए है ना, राइट। तो तुझे बिल्कुल क्या करना है, इसे मोना बना देना, मोना देखो मोना आगे, फिर कह रहा है बसंती से क्या बना दिया, मोना बना दिया, कितनी अजीब सी लग रही है शिल्पा शेट्टी नहीं बात, राइट। तो वही बसंती से मोना बना दिया, अब कुछ सोचो है ना। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, आप इसे क्या बोलोगे, ए पुष्पा ए मुन्नी सुन मेरी बात, इसे क्या बोलोगे, डेवलपमेंट। और अगर ये काम वो करती है जो उसे करना चाहिए, जैसे डॉन को, अब ऐसे पिक्चर में क्या किया गया था, बच्चन, अमिताभ बच्चन को क्या बनाया था, डॉन बनाया था पुरानी वाली पिक्चर में, नकली अमिताभ बच्चन को, है कि नहीं बात। तो ट्रेनिंग देना और साथ में उसी चाल ढाल में उसी चीज में ढाल देना, उसे आप क्या बोलते हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आज का टॉपिक भी यही है कि भैया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे किया जाता है और इससे एक बिजनेस में क्या फायदा होता है, बात समझ में आ गई। तो देखो लिखिए बात, ट्रेनिंग इज अटेम्प्ट टू इंप्रूव द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग का मतलब समझो पहले, क्या है ट्रेनिंग का मतलब, ट्रेनिंग का मतलब क्या है, इंक्रीज द स्किल्स, इंक्रीज द नॉलेज, इंक्रीज द एबिलिटी। ये भैया आपके लिए क्या है सर, एग्जाम में आने वाले सीक्रेट, सीक्रेट बोलो वर्ड। तो अगर तुम्हें पहचानना है एमसीक्यू में या केस स्टडी में कि ट्रेनिंग का मतलब क्या है, तो क्या लिखा मिलेगा, विच कॉन्सेप्ट इंक्रीज द स्किल एंड नॉलेज एंड एबिलिटी, तो आप क्या जवाब दोगे, ना ना डेवलपमेंट नहीं मुन्ना, ओनली ट्रेनिंग, डेवलपमेंट कैसे, आपके सिर्फ नॉलेज, ठीक है ना। अब मान लो भैया एक प्लम्बर आया है कि नहीं बात, राइट, उसको क्या बोला, जैसे मैंने पहले बताया ये इलेक्ट्रिशियन आया, उसको बस सिखा दिया भैया देखिए कैसे खोलते हैं एसी, इसमें ये होता है ये होता है, ठीक कर दिया, उसे बात करनी नहीं आती, लाइट बंद कर दो जरा,
करंट लगवाओगे मुझे? तो ग्राहक सोचेगा बताओ यार, अर्बन क्लैब से मंगाया तब भी यार ऐसे बोल रहा है कि नहीं बात? तरुण क्लैब वाले कहते हैं हमारे से जो आएगा वो क्या होगा सर, ट्रेनिंग में भी निपुण होगा और वो डेवलपमेंट भी होगा, है कि नहीं? प्रॉपर ड्रेस पहन के आएगा, तो ऐसे ही आ गया, है कि नहीं बात? राइट, पजामा पहन के, टी शर्ट पहन के, ठीक है, खोल दिया बिना नहाए धोए, ठीक है। तो भैया वो कह रहा सर, मेरे साथ कोई आपको खान बैठ के खाना थोड़ी खाना है, कि नहीं बात? राइट, तो मुझे तो बिजली का काम करना है भैया, मैं एसी उतार दो मैं ठीक करके चला जाऊंगा। तो भैया आपको इससे मतलब नहीं, आपको इससे मतलब है कि भैया उसे एसी ठीक करना आता होगा, तो ये होती है ट्रेनिंग। लेकिन आपको लगता है कि मेरे घर में कोई ऐसा बंदा है जो भैया हाइजीन भी हो, नहा धो के आता हो, ग्लव्स व्लव्स पहन रखे हो, मास्क पहन रखा हो, तो उसे आप उसको क्या बोलोगे कि है तो इलेक्ट्रीशियन लेकिन वो आपके प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, आपके घर के प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, है कि नहीं बात? भैया मास्क पहन के आएगा, तू जूते वूते बाहर उतारेगा, ठीक है, प्रॉपर साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हो, राइट, तो उसे आप क्या बोलोगे? डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग ओनली एंड ओनली मीन्स, बोलो जल्दी, ट्रेनिंग ओनली मीन्स इंक्रीज योर स्किल एंड एबिलिटी। आपका जो काम है ना, काम आपकी जो स्किल है सिर्फ उसे इंक्रीज करना है। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? तो इन दोनों का मतलब आप समझ चुके हैं। ट्रेनिंग मतलब काम में आपको महारत हासिल कराना, डेवलपमेंट मतलब, यानी बसंती को जो उन्होंने मोना बना दिया, तो जो उसका काम है वो तो उसे सिखाया, बाकी ओवरऑल ग्रोथ भी दी उसको कि भैया कैसे बात करनी है, कैसे खाना खाना है, कैसे मिलना है, ठीक है ना, राइट, और वह किस तरीके से तुम्हें अपने काम को अंजाम देना है। तो भैया वो अक्षय कुमार ये काम उससे करवाता है। अब इससे बताओ, इससे मोना को फायदा क्या होगा, शिल्पा शेट्टी को फायदा क्या होगा, या एक कंपनी को फायदा क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं कंपनी को क्या फायदा। कंपनी को अगर आप ट्रेनिंग देते हैं तो अक्षय कुमार हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, अक्षय कुमार इनको क्या फायदा होगा? सिस्टमैटिक लर्निंग, है ना, राइट। ट्रेनिंग से क्या होगा, आप जो बंदा जो भी काम सीख रहा है वो कैसे सीख रहा है? स्टेप बाय स्टेप सीख रहा है ना, कि भैया पहले ये काम करना है फिर ये काम करना है, स्टेप बाय स्टेप, सिस्टमैटिक लर्निंग। आपको पता कि मुझे कैसे अपने एम्प्लॉय को सिखाना है कि नहीं बात? ये थोड़े बिजली ठीक करना तो उससे बोलोगे पहले उंगली डाल के चेक कर बिजली आ रही है नहीं आ रही, तो स्विच में उसकी उंगली डलवा दोगे, झटका लग गया, इसका मतलब बिजली आ रही है। भैया ऐसे नहीं सिखाओगे आप उसे। उसके लिए क्या आता था? टेस्टर आता, टेस्टर देखा तुमने कभी? इलेक्ट्रिशियन के पास टेस्टर होता छोटा सा, वो टेस्टर डाला तो उसकी लाइट जल जाती है, लाइट जल जाती है मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, बात समझ में आई ना? तो ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप तरीके से सिखाई जाती है। तो सबसे पहला फायदा क्या होगा, किसी एम्प्लॉय को हम प्रॉपर तरीके सिखाएंगे तो उसकी जान का कोई खतरा नहीं होगा, उसको वो इक्विपमेंट दिए जाएंगे जिससे वो, है ना, चीजों को सीखेगा। दूसरा, कंपनी का प्रॉफिट हाई होगा नहीं होगा? अगर एम्प्लॉय को स्टेप बाय स्टेप सिखाओगे, उसे हर तरीके का क्या दोगे, सेफ्टी नॉर्म्स दोगे, उसको टूल किट दोगे, तो भैया एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है कि नहीं बात? राइट, और इससे क्या होगा, कंपनी का क्या होगा सर, हाई प्रॉफिट होगा। क्यों? और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या होता है सर, एम्प्लॉय, बिल्कुल सही बात, स्पेशलाइज होता है, तो स्पेशलाइज होगा तो कंपनी उसी काम को वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की तरह करेगा, यानी मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है ना। और जो आज एम्प्लॉय है, जो आज ट्रेनी है, अगले 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 कुछ सालों बाद तो क्या बन जाएगा, ट्रेनर, उसके अंदर नीचे लोग नहीं आ जाएंगे, है कि नहीं बात? जो आज राजू भैया है, पता लगा 10 साल बाद भी राजू भैया हो, तो 10 साल बाद तुमने अपने बच्चों को भेजा नहीं, 10 साल बाद नहीं, चलो 15 साल बाद, ठीक है ना, ये 10 साल बाद तुम यहाँ पे आए तो पता लगा राजू भैया, राजू भैया से क्या हो गए, राजू सर हो गए, राजू सर, तो आज तुम हंस रहे हो, ऐसा होता है ना। वो 10 साल में इतने निपुण हो गए कि उनको लगा कि सर ये काम तो मैं ही कर लूंगा, आपके क्या कोर्स हैं, कितने बजे क्या है, क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, है ना, राइट। राजू भैया बाहर बैठ के सुनते रहते हैं, वो कहते सर एक बिजनेस स्टडीज का चैप्टर तो मुझे भी आता है, एक लॉ का चैप्टर भी आता है मुझे, ऐसे नहीं बात, सुनते रहता हूँ मैं आपके पिक्चर सारी, ऐसे नहीं बात। तो पता लगा कि वो बच्चों को बता दे भाई कल एब्सेंट था, मैं समझा दूंगा आ जा, ऐसे नहीं बात, मैंने लिया था सर का लेक्चर कल। तो आगे जाकर जो आज इंप्लॉई है वो कल को क्या बनेगा सर, फ्यूचर बनेगा, ऐसे नहीं बात, राइट। जो आज दामाद है वो परसों ससुर भी बनेगा, जो आज बहू है वो परसों सास भी बनेगी, है कि नहीं बात, जो दामाद है वो ससुर भी बनेगा। तो भैया ये कहानी है कि जो एम्प्लॉय है वो मैनेजर ही बनेगा, मैनेजर बनने के बाद ग्रोथ हुई तो वो सीईओ सीएफओ इस पोजीशन तक भी जा सकता है। सर अगर आपको काम में मजा आएगा, अगर आपको उस काम में मजा आएगा तो बड़ा छुट्टी मारने की नहीं सोचेंगे, बात समझ में आ रही ना बात, राइट। अगर आपको उस काम में मजा आ रहा है कि भैया जो मुझे काम कहा गया था और मुझे वो काम कर रहा हूं और मुझे उसके लिए ही चुना गया है और मैंने इसकी ही ट्रेनिंग ली है और मैंने इसका ही एग्जाम दिया है, ठीक है, तो फिर छुट्टी कम होगी ज्यादा होगी सर, बोलो सर, छुट्टियां कम होगी, सर क्या बोलेंगे सर, रिड्यूस एब्सेंटिज्म, क्योंकि आप उस काम को करने में आपको मजा आने लगेगा, है ना, क्या कि नहीं बात, राइट। तो भैया अगर मुझे पढ़ा रहा है और मुझे पढ़ाने में मजा आता है तो मैं छुट्टी क्या करूंगा, कम मारूंगा।
और मुझे मजा ही ना है काम में, जबरदस्ती का बोझ लग रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, बहाने ढूंढोगे काम को ना करने के। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एब्सेंटिज्म रिड्यूस होगा, क्योंकि आपको वो काम अच्छे से आता होगा, क्योंकि आपको उसी में ट्रेन किया गया होगा। ठीक है ना, राइट। भैया हो तो तुम हलवाई, लेकिन तुम्हें रख लिया गया कपड़े सिलने के लिए, तो मजा कैसे आएगा, है कि नहीं बात। तुम्हें जो मिर्च का तड़का लगाने में आता है, वो सुई लगाने में थोड़ी आएगा मजा। तो तुम क्या हो गया यार, क्या बात है यार, मैंने होटल मैनेजमेंट कर रखी है, मैं सोच रहा हूँ अगले साल मास्टर शेफ में अप्लाई कर दूंगा, है ना, और ये मुझसे दर्जी का काम करा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई तू फैशन डिजाइनर बन जा, है कि नहीं बात। ऐसे कहीं चलेगा क्या, ये नहीं चौल में भैया, ये नहीं चौल में, फिर आपको मजा आएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, फिर आप कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट की चीजें ढूंढते रहोगे, आप नेट पर भी सर्च करते रहोगे, है कि नहीं बात, कि भाई कहीं होटल वैकेंसी लिखनी है, रेस्टोरेंट वैकेंसी निकल रही है, इस तरह की बात आप करोगे। आपको अगर पैसे कम मिल जाए पर काम वही करना है ना, जो मजा तेल में जीरा डाल के छोंक लगाने में है ना, वो मजा सुई में धागा डाल के सिलने में ना है, है कि नहीं बात। तो भैया एब्सेंटिज्म रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपको उसी चीज में ट्रेन किया गया जो आप चाहते हो, और आखिर में आपको डायनेमिक बनेंगे, आप बनोगे नहीं बनोगे सर, बिल्कुल डायनेमिक कैसे बनेंगे, कोई इंप्लॉय को अगर ट्रेनिंग देंगे तो खाली उस काम के रिलेटेड साथ साथ उसके और चीजों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे हमने राजू भैया को पता क्या ट्रेनिंग दे रखी है, फायर एक्सटिंग्विशर चलाने की, उनका काम नहीं है पर फिर पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया था, जब तुम भी थे ना, थे नहीं थे तुम, तो एक बार शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो लाइट वाइट चली गई, आग लग गई थी, मतलब ऐसे भयानक नहीं, मतलब जो स्विच बोर्ड है ना, स्विच बोर्ड में आग लग गई थी, फिर लाइट वाइट बंद करी, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर भी था, तो फिर हमने देखा कि भैया फायर एक्सटिंग्विशर कौन चलाएगा, अगर चला देते तो तभी तभी बुझ जाती, तो फिर ट्रेनिंग दी गई फायर एक्सटिंग्विशर चलाने की। फिर बताया गया अगर ऐसा कुछ हो जाए तो सारी एमसीबी क्या कर देनी है, बिजली वाला आया, भैया सारी एमसीबी डाउन कर देना, नीचे जो मेन एमसीबी है उसे डाउन कर देना, तो बिजली सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी फिर वो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे बच्चे कहाँ चले जाए, है ना, सारे बच्चे बाहर चले जाए, ठीक है, राइट। तो इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, तो इससे क्या होगा, आप डायनेमिक बनोगे, आपको वो काम करने भी आएंगे जो आपको इमरजेंसी में करने पड़ सकते हैं, ठीक है, राइट। तो डायनेमिक बनोगे, इफेक्टिव रिस्पॉन्स, टेक्नोलॉजी अच्छे, जैसे भैया हम कंप्यूटर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि भैया छोटी मोटी तो चीजें आप भी ठीक कर लोगे, ठीक है ना, राइट। जैसे घर का रिमोट काम नहीं कर रहा, एक तो पटका पहले, चल क्यों ना रहा, ये तो हर घर की टेक्निक है ना, फिर आपको लगा चल शहर बदल लेते हैं। तो कुछ चीजों को ऑफिस में इसलिए सिखा दिया जाता है कि इस चीज के लिए किसी एक्सपर्ट को बुलाने की जरूरत नहीं, तो चीज तुम भी कर सकते हो, है कि नहीं बात, राइट। अब जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर को हैक होने से, मेरा कंप्यूटर को हैक होने से बचाना, इस तरह के काम आपको ऑटोमेटिकली सिखा दिया जाता है, आपको डायनेमिक बनाया जाता है कि हर सिचुएशन से आपको लड़ना आना चाहिए। तो आपको ट्रेनिंग साइड बाय साइड इन चीजों की भी दी जाती है, आपको डायनेमिक बनाया जाता है कि ऐसा हुआ तो आप करोगे क्या। अब मोना, अब बसंती को मोना बना दिया, लेकिन अगर वो फंस जाए गुंडों के बीच में तो उसे क्या करना चाहिए, तो कुछ चीज ट्रेनिंग के पार्ट को उसमें सिखाया जाता है कि उसे फाइट करना भी सिखाया जाएगा, है कि नहीं बात, राइट। अब ये तो कंपनी का फायदा हो गया, कंपनी का फायदा क्या हो गया, कंपनी का फायदा ये हुआ कि अभी हमने कंपनी से क्या बोला, कंपनी ने बोला कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट से कंपनी को फायदा हुआ ये कि, लिखो डेवलपमेंट, एक एम्प्लॉय जब काम नहीं कर रहा था तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट के मैनेजर ने क्या किया, उसको चाटा मार दिया, डेवलपमेंट ने मारा चाटा, चाटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ, तो डेवलपमेंट ने मारा स्लैप, खींच के मारा, चल दे, है ना। डी से क्या होगा, डी से बनेगा पॉइंट नंबर 5 डायनामिक, एम से क्या बनेगा रे पुष्पा, पॉइंट नंबर 3 मैनेजर फॉर द फ्यूचर, एस से क्या बनेगा सर, एस और एल से बनेगा पॉइंट नंबर 1, एस और एल से, पॉइंट नंबर 1 क्या है, सिस्टमैटिक लर्निंग। ए से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 4 एब्सेंटिज्म रिड्यूस, और पी से क्या बनेगा रे, हाई प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका वो एम्प्लॉय ट्रेनिंग के बाद उस चीज में स्पेशलिस्ट हो जाएगा। से तो अक्षय कुमार के मजे आ गए, कंपनी के मजे आ गए, पुलिस डिपार्टमेंट के मजे आ गए, बसंती के क्या मजे हैं, बसंती के क्या मजे हैं बताओ। बसंती अगर वो काम करना सीख जाएगी, है कि नहीं बात, तो हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट उसे अपनी अपने क्या कर ले सर, हायर कर ले डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब डॉन अगर प्रोजेक्ट पूरा कर दिया तो होता है, अब उसको उतना ट्रेन कर दिया, उसको उतना सिखा दिया पुलिस डिपार्टमेंट ने, है ना, रॉ एजेंसी ने, हमारी खुफिया एजेंसीज ने, है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, तो हम बोलेंगे भाई इसके ऊपर इतना पैसा खर्च कर दिया, इसे डॉन की तरह बना दिया, इसे बंदूक चलाना, दौड़ना, भागना,
है कि नहीं बात, पूरी आर्मी जैसी ट्रेनिंग दे दी इसे, अब इसके ऊपर लाखों रुपए खर्च कर दिए तुमने, अब इसने प्रोजेक्ट पूरा कर दिया तो उसे जाने की जरूरत, भैया भर्ती कर लो इसे, इसे अगले प्रोजेक्ट में भेज देंगे, है ना, जब मर जाएगा तब इसका पैसा वसूल है कि नहीं बात। तो गवर्नमेंट को लगेगा मरते दम तक क्या कराते रहो, काम कराते रहो। अच्छा बताओ, जो इंप्लॉई जो बेचारा पहले गरीब था, बसंती जो बेचारा पहले गरीब थी, अब उसे हाईली ट्रेंड एजेंट बना दिया, है ना, अब वो एजेंट बसंती हो गई रॉकी, एजेंट बसंती है कि नहीं बात। तो भैया उसका कैरियर बेटर होगा नहीं होगा, उसकी रिस्पेक्टफुल जॉब होगी नहीं होगी, उसके घर परिवार तक पैसे पहुंचा दिए जाएंगे नहीं पहुंचा दिए जाएंगे, जैसे तापसे पन्नू वाली पिक्चर नहीं थी नाम शमाना, उसमें तो ये होता है, वो होती गरीब सी है, उसके घर वालों के चक्कर, कभी कुछ चक्कर, कभी उसे कोई बीमार, पप्पा बीमार, अब्बा बीमार है कि नहीं बात। तो वो शमाना कहते कि भैया मुझे बताओ क्या करना है, तो उसे चुन लेते हैं, एजेंट बना देते हैं उसे, फिर उसे बेचते हैं, है ना, नेपाल वगैरह अक्षय कुमार के साथ, हाँ मलेशिया था, नेपाल तो पहली वाली पिक्चर में था, है ना, राइट, बेबी पिक्चर में था। तो भैया अब वो तो बेटर करियर हो गया नहीं हो गया, पैसे मिल रहे, तो इंप्लॉय को क्या फायदा है, ट्रेनिंग देने से इंप्लॉय को ये फायदा होगा, जिस चीज में वो ट्रेंड होगा उस चीज में वो अपनी कंपनी में तो बेस्ट जॉब कर ही सकता है, और वो चाहे तो दूसरी कंपनी भी क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है भैया, जो थोड़े विवाह थोड़ी कर लिए कंपनी के साथ, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिए, अच्छे पैसे मिल रहे, ठीक है, अर्निंग बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, जब वो दूसरी कंपनी ज्वाइन करेगा और कैरियर बेटर होगा तो भैया क्यों एक कंपनी छोड़कर क्यों जाएगा बताओ दूसरा बंदा। और तुम्हारा मान लो भैया 50 लाख रुपए पैकेज है तुम्हारा, अब 50 लाख रुपए ऑलरेडी तुम्हें TCS में मिल रहे हैं, तो विप्रो में क्यों जाओगे, क्योंकि विप्रो तुम्हें 70 लाख दे रही होगी, और तुम उस काम में क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे, सुंदर पिछे वाली कहानी है, इसे तो नहीं जाने दिया गूगल ने। इंप्लॉय की सेफ्टी, अब ट्रेनिंग से बताओ इंप्लॉय की सेफ्टी क्यों होगी, ज्यादातर सेफ्टी वाला नॉर्म्स कहां लगता है, जब इंप्लॉय लेबर क्लास में होता है, बड़े बड़ा काम, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बन, अबे ऊंची बिल्डिंग है बनाएगा ना कोई, तो जो ऊंची बिल्डिंग बनाएगा वो कौन होगा, ठेकेदार। अब ठेकेदार जो कौन होगा, रात में बिल्ड, रात में काम चल रहा है, ठीक है, तो रात में उन्हें क्या दिया जाता है सर, सेफ्टी किट्स दी जाती है, वो नहीं थी नीली नीली रेडियम वाली जैकेट, हरी हरी सी, लाल लाल सी, है ना, फिर वो डब्बे भी होते हैं ऐसे ट्राइंगल कोन वाले, सॉफ्टी वाले, उल्टा करो सॉफ्टी की तरह इसकी भल्लो उसमें, है कि नहीं बात, राइट, वो चमकते भी है, रेडियम जैसे आप बोलते हो, है ना, रेडियम वाले जो कपड़े जैकेट्स होती हैं, तो कहा जाएगा भाई सर पे एक तो वो लगा लियो पीली पीली टोपी, पता लगा पत्थर गिरा ईंट गिरा फिर तू कहेगा भैया सर फूट गया मेरा, ठीक है, और रात में अगर तू काम कर रहा है हाईवे पर, ब्रिज पर कहीं पर, तो भैया वो जरूर पहन लियो रेडियम वाली, कोई को दूर से आ रहा तो कहीं जैकेट क्या हो चमके, तो ये तुम्हारे भैया सेफ्टी नॉर्म्स है, ठीक है, इससे क्या होगा, लेस एक्सीडेंट होने के चांस कम होंगे रात के टाइम पे। तो ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा कि कैसे पहनते हैं, कैसे बांधना है, है ना, अब जो बेचारा ऊपर काम कर रहा रस्सी भी तो बांध के काम करेगा, देखा होगा तुमने, है ना, 20वीं मंजिल पे बेचारा काम कर रहा, पेंट कर रहा, तो रस्सी तो बांधेगा ना, तो उसे पता होना चाहिए भी कैसे बांधना है, कैसे लटकना है, कि नहीं बात, ये सारी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है, राइट, पेंट कैसे करेगा तू इतनी ऊंचाई पर जाकर, तो भैया उनको सारी ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई कैसे आपको करना है। और इंप्लॉय जब इन्हीं कामों से क्या होगा सर, पैसे बढ़िया मिल रहे हैं, सब कुछ तुम्हें मिल रहा है, तो अंतरात्मा क्या बोलेगी सर, तो भैया इंप्लॉय का सेटिस्फेक्शन होता है अगर उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया जाए, कि भैया जिस काम के लिए मुझे चुना गया वो काम मुझे सिखाया जाता है और ट्रेनिंग मुझे प्रॉपर दी गई है, समझ गए मुन्ना। अब सर एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर, बोलो, ये मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या इंपॉर्टेंट है सर, ए मुन्ना इधर ध्यान देने का है, मेथड ऑफ ट्रेनिंग। अब देखो मेथड ऑफ ट्रेनिंग में क्या आएगा सर, दो तरह के ट्रेनिंग के मेथड होते हैं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया, एक होता है ऑन द जॉब, याद आ रहा है मुन्ना, और एक होता है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब होता है राजू भैया, कि भैया यहीं आओ जॉब पे आओ, काम को यहीं सीखो, इधर उधर जाने की जरूरत, हम खुद बता देंगे कैसे करना है काम, है ना। अब मुझे उन्हें सिखाना, भैया मेरे आने से पहले राजू भैया मेरे आने से पहले कंप्यूटर चला दिया करो, AC चला दिया करो यार, है कि नहीं बात, कि बच्चे आ रहे घर में बैठे, सर आएंगे तब AC चलेगा, ऐसा अच्छा लगता है ना, पहले क्या होना चाहिए, घर में बैठे AC चला दो, लैपटॉप पहले कंप्यूटर पहले ऑन कर दिया करो, अब मैं आऊंगा कंप्यूटर ऑन होगा, 5 मिनट कंप्यूटर ऑन करने में लेंगे, फिर ये लगाऊंगा, है ना, लैप प्रोजेक्टर ऑन कर दिया करो, कंप्यूटर ऑन कर दिया करो, ये सेटअप ऑन कर दिया करो, AC चला दिया करो, लाइट वाइट बनके, है ना, कुर्सी अरेंज कर दिया करो। अब ये उनको ट्रेनिंग देने के लिए मुझे कहीं बाहर भेजने की जरूरत है, ना ना ना, एपटेक में चले जाना, NIT में चले जाना, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाना, यहीं तो सिखाऊंगा, तो उनका ये काम क्या बोला जाएगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मैं एक दिन बता दूंगा भैया ये बटन दबेगा, ये पहले वहां से ऑन करना, फिर ये CPU, फिर ये है ना UPS, और ये CPU, फिर ये लट्टू दिख रहा है, लट्टू इन लट्टू को दबा देना बस, अपना चल जाएगा गोल गोल, रंग बिरंगे से गोले चलने लगेंगे, है कि नहीं बात, राइट। इसका मतलब कंप्यूटर क्या हो चुका है,
ऑन हो चुका है, ठीक है, समझ आया ना बात? ठीक है, प्रोजेक्टर देखा, प्रोजेक्टर वहां से स्विच ऑन करना, मेन प्रोजेक्टर का ये वाला बटन है, ये वाला लेफ्ट वाला राइट, इसे दबाओगे ऑन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लाइट जल जाएगी, ठीक है, वहाँ एसी तुम्हें पता है ना, रिमोट यहाँ रखा है एसी का, अपना टेम्परेचर है ना हिसाब से बड़ा घटा लेना। अब उनको अगर मैंने यहीं सिखाया तो मैं उनके लिए क्या बोलूंगा, तो 90% लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही करते हैं, 90%, लेकिन कुछ खास काम ऐसे होते हैं जो ऑन द जॉब हो ही नहीं सकते, जैसे बताओ, जैसे है कोई ऐसा काम जो ऑन द जॉब ना हो सकता हो, उसके लिए बाहर ही भेजना पड़ेगा, बताओ। हाँ कुछ कुछ ऐसे समझो, पता कैसा, जैसे भैया तुम्हें प्लेन उड़ाना, प्लेन है ना, अब भैया इंडिया ने राफेल की डील करी है ना, अब जो प्लेन है जो हाईटेक बिल्कुल जो इंडिया में कभी आया ही नहीं, जैसे मैंने बोला जो नई एडवांस टेक्नोलॉजी का फ्रांस ने हमें दिया राफेल, क्या नाम है उसका, सुना होगा ना राफेल, कुल 16 या 30 ही इंडिया को देने हैं, वो बहुत महंगे है ना, 150 मतलब 1620-2000 करोड़ के आसपास का उसका एक प्लेन बैठता है, इतना महंगा प्लेन है वो। अब इतना महंगा प्लेन है तो फ्रांस से आया, फ्रांस का पायलट आया, छोड़ के भग गया, चला लियो अपने आप, तो चला लेंगे उसे अपने आप, और अगर हम उसे चलाएं उस प्लेन में बैठकर, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो पायलट को समझाते, कुछ भी गड़बड़ हो कूद जी हुई पैराशूट लेके, है ना, अबे पैराशूट लेके वो तो बच जाएगा, जहां वो गिरेगा वहां नुकसान, और 1600 करोड़ का 2000 करोड़ का प्लेन भी गया, तो उसको पता क्या किया था, क्या किया जाता है, उसे ट्रेन किया था ऑफ द जॉब, राफेल पायलट जैसे डमी प्लेन बनाया था, क्या बनाया था, डमी प्लेन, है ना, राइट, समझाई बात, तो वो जो डमी प्लेन है वो आपको कहां उड़ाने के लिए दिया जाएगा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, वहां पे वो पायलट होंगे, आपको बाहर भेजेंगे, कहेंगे भाई इस तरह के प्लेन को ऐसे उड़ाया जाएगा, जब तू इंडिया जाएगा तब इंडिया जाके खुद तू सीख ले, अपने 10 साथियों को सिखा दियो। तो इंडिया से बस 5-6 पायलट ही गए थे, वहां 5-6 पायलट गए, उन्होंने सबको सीख लिया, इंडिया में आके अपने लोगों को क्या कर देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे। अब इंडिया सारे 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 आर्मी ऑफिसर को, एयरफोर्स ऑफिसर को थोड़ी भेज जाएगा, अब इंडिया में आके धीरे धीरे एक को ट्रेनिंग देगा, दूसरा दूसरे को ट्रेनिंग दे देगा, ठीक है ना। लेकिन ट्रेनिंग कहां हुई, ऑफ द जॉब, इंडियन पोर्ट, इंडियन एयरपोर्ट पे नहीं हुई, या इंडियन एयरफोर्स में नहीं हुई, कहां हुई, ऑफ द जॉब। फ्रांस वाले तुम बताओगे भैया कैसे, कोई भी नुकसान हो तुम्हारा नुकसान होगा, एक डमी प्लेन तो बनाओगे भाई, जब तुम हमें इतने 30,000, तुमने हमें 30 प्लेन दिए है ना, 60,000 करोड़ की डील हो गई, एक प्लेन अप्रोक्सीमेट 2,000 करोड़ का, तो भैया अगर तुम 60,000 करोड़ हमसे ले रहे हो, 60,000 करोड़, अबे तो एक प्लेन अपने आप तो सिखा सकते हो, तो वो होता ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग तब काम आती है जब आपकी जो मशीनरी होती है, आपका जो जॉब होता है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना टफ होता है कि आप डायरेक्ट कंपनी में उसे लॉन्च नहीं कर सकते, आपको पहले उसे क्या लेने पड़ेंगे, हाँ आपको पहले उसके प्रोटोटाइप कह दो, आपको उसकी डमी ट्रेनिंग कह दो, या आपको उसकी रिहर्सल करनी पड़ेगी, है कि नहीं बात। तो वो ऐसे एरिया में क्या होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है ना होती है। अब एक करके बढ़ते हैं सर, पहले हम करते हैं भैया राजू भैया वाली बात, सब कुछ उन्हें कहां सिखाना है, ऑन द जॉब। तो ऑन द जॉब में पहले आता है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है सर, अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है सेमी स्किल्ड। जॉब के लिए क्या करना पड़ता है, मैनेजर वर्कर ट्रेनिंग इज अपॉइंटेड, है ना, ट्रेनिंग इज अपॉइंटेड। कैसे सर, एक वर्कर को एक मैनेजर के बिल्कुल डायरेक्ट नीचे रखा जाता है, जैसे कई बार हम देखते हैं होता ही है, जो भी बिजली वाला आएगा उसके साथ एक छोटू जरूर होगा, छोटू 2 नंबर का बताइए, वो लगा वो देखता रहेगा है ना, और ये जानते इधर ध्यान दे कि कैसे खुलेगा, है कि नहीं बात। तो जो मेन है ना वो कुछ नहीं कर रहा होता, वो अपने जूनियर क्या कर रहा होता है, हाँ उसे सिखा रहा होता है, ट्रेनिंग कर रहा होता है, यानी कि ट्रेनर अपॉइंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन आयरन वर्क ऑफन रिक्वायर्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, 2-3 साल तक उसे पता लग जाता है कि स्विच बोर्ड ऐसे खोलना है, एसी ऐसे खोलना है, प्रोजेक्टर ऐसे खोलना है, ये ऐसे खोलना है, सब कुछ पता लग जाएगा उसे, बिजली के सारे इक्विपमेंट खोलना बांधना और लगाना क्या होगा सर, पंखा पंखे उनके सब सीख जाएगा वो, कंडेंसर ऐसे बदल, तुमने कभी बदला कंडेंसर, है ना, मैंने भी नहीं बदला कभी, है कि नहीं बात, राइट, कि पंखा खोल के अंदर के मोटर बदल दूं, अब ये काम मेरा थोड़ी है, लेकिन जिस जो बदलता है उसके साथ हमेशा एक बंदा आता है साथ में, तो वो होती है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी कि आप उस लेवल की स्किल को उसको दिखा दिखा क्या करते हो सर, सिखा देते हो, उसे बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, बात समझ में आ गई। अगली होती है सर, अगली होती है जिसमें मेरी फोटो बन रही है सर, अरे सर आप फिर से आ गए, यस सर यू आर बैक सर, यस आई एम बैक, है ना, राइट सर, कौन थी सर, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, क्योंकि मैंने की है,
है ना, अकाउंट वाले भैया ने भी किए तुम्हारे, ठीक है। कैसे सर? जब भी भैया सीए हो चाहे वो डॉक्टरी की हो, एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो भैया सीए फाइनल के एग्जाम आप तभी दे पाएंगे जब आपने सीए इंटर के बाद क्या किया सर, इंटर्नशिप की हो, जैसे मेरी गाजियाबाद में हुई है ना, पीवीएआरएन एसोसिएट्स के अंदर। इसको पहचानेंगे कैसे एग्जाम में, इसको क्या पहचान, कैसे पहचानेंगे सर, बोलो सर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, यानी कि आपके कोर्स करिकुलम में ये लिखा होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस हम के साथ टाइप होता है, और ये ट्रेनिंग आपका किसका हिस्सा होती है, बोलो रे मुन्ना, बोल लो, ये ट्रेनिंग आपका किसका हिस्सा होती है सर, कोर्स का। ओहो कोर्ट लिख रहा हूं, है ना, कोर्स का पार्ट होती है, कि बिना ये ट्रेनिंग किए आप ये कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते। अब एमबीबीएस में क्या होता है, 3 साल पढ़ाई होती है, 1 साल क्या होती है सर, हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, फिर आप फाइनली क्या करते हो, आप फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम दोगे। ऐसे सीए में भी आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आप फाइनल के एग्जाम देंगे। ट्रेनिंग में आपको सिखाते हैं क्या कि भैया इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे भरते हैं, जुलाई में भरी जाती है ना, राइट, इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे भरी जाती है रे पुष्पा, ठीक है, ऑडिट कैसे किए जाते हैं, जीएसटी में कैसे काम किया जाता है कि नहीं बात, जीएसटी के अंदर कुछ बिल्स हो गए, इनवॉइस हो गई, वो कैसे जनरेट की जाती है कि नहीं बात, राइट, इनकम टैक्स का ऑडिट कैसे किया जाता है, राइट। तो मेनली ये काम होते हैं जो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में सिखाएंगे, फिर फाइनल में आप एग्जाम देंगे, फिर आप उसके बाद ही तो अपने क्लाइंट को बता पाओगे कि हाँ भैया मुझे रिटर्न भरनी आती है इनकम टैक्स की, है कि नहीं बात, राइट, कैसे टैक्स भरा जाता है, कैसे साइट पे अपलोड किए जाते हैं, राइट। तो ये हमेशा इंटरनल ट्रेनिंग होती है जो कोर्स का हिस्सा होती है, राइट। और यहां पे सैलरी नहीं मिलती, बहुत दुख की बात है, खून के आंसू आ गए, बहुत ज्यादा दुख की बात, सैलरी नहीं मिलती, स्टाइपेंड मिलता है, स्टाइपेंड, स्टाइपेंड मतलब मजदूरी, यानी कि सिर्फ घर से ऑफिस, ऑफिस आने जाने की, वो है ना, 5,000 रुपये मिलते थे मुझे कुल, 5,000 पूरी ज्यादा महीने के, है ना, राइट, कि भैया जो सीख रहे हो बस उसके लिए 5,000 रुपये मिलेंगे, कायदे में तो इतने मिल रहे हैं बहुत है, क्योंकि आप सीख रहे हो, बंदा आपके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहा है अपना आपको सिखाने का, ठीक है ना, राइट। तो 5,000 रुपये मिलते थे, 5,000 रुपये इसलिए दिए जाते हैं कि भाई आप कहीं दूर से आ रहे हो तो आने जाने का आपका भाड़ा निकल जाए, हाँ ये मिलते हैं, स्टाइपेंड बोलते हो, सैलरी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, स्टाइपेंड, हाँ वो लगे जो स्टाइपेंड बोल देते हैं, हाँ डिग्री से पहले, क्योंकि क्योंकि इंटर्नशिप होती डिग्री से पहले, पहले मैं इंटर्नशिप करूंगा उसके बाद फाइनल का एग्जाम दूंगा, पहले मैं किसी हॉस्पिटल में अपना एक्सपीरियंस लूंगा उसके बाद फाइनल का एग्जाम दूंगा। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसमें सैलरी नहीं मिलती, उसमें ना आपको सिखाया जाता है कि तूने किताब तो सब पढ़ ली, अब प्रैक्टिकली क्या है ये सीख ले, अब तूने किताब में तो पढ़ लिया इनकम टैक्स की क्या रिटर्न भरते हैं, अब तुझे पता भी तो होना चाहिए रिटर्न भरते कैसे हैं, बताइए कौन सी साइट पे जाएगा, ये कौन से सॉफ्टवेयर से भरेगा, तुम्हें पता ही नहीं, मैं तो किताब पढ़ के आया हूँ जी, सेक्शन 139(1) में इनकम टैक्स की रिटर्न भरी जाती है, मुझे याद है सेक्शन सारे, तो वो कह रहे बहुत बढ़िया बात है सेक्शन याद है, बहुत अच्छी बात है, पर ये बता भरेगा कैसे, नहीं ये ना पता मुझे, मुझे पता है 31 जुलाई आखिरी डेट होती है, ठीक है, ये सेक्शन के हिसाब से रिटर्न भरी जाती है, नहीं भरोगे तो ये पेनल्टी, मुझे पता है नहीं भरोगे तो इतनी पेनल्टी है, ये सजा है, ये तुमने किताब में पढ़ लिया ना कि रिटर्न की ये डेट होती है, ये सेक्शन होता है, नहीं भरूंगा तो इतनी पेनल्टी होती है। तो वो जो इम्प्लॉई है, वो जो ट्रेनर है, वो क्या बोलेगा, भाई ये तो सीए भी बता देगा, लेकिन तुझे क्या जानना जरूरी है, ग्राहक को तो ये बता देगा, ये तो ग्राहक को भी पता होगा तेरे, अगर वो पढ़ा लिखा होगा, लेकिन तुझे जानना जरूरी है उसकी रिटर्न कैसे भरी जानी है, तो वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। हाँ लेकिन मैं प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं करता ना, ये वाली सर भी नहीं करते, भरते हैं पर किसी दोस्त वगैरह से भरवा ली, खुद नहीं भरते, मतलब क्योंकि उसका सेटअप लेना पड़ता है, सॉफ्टवेयर खरीदो, इम्प्लॉय रखो, है ना, राइट, उस फिर वही काम करना पड़ेगा, ठीक है, फिर पढ़ा नहीं पाएंगे, तो जो प्रैक्टिस करते हैं वो अपनी प्रैक्टिस अलग करते हैं, उनका और कोई काम नहीं होता, यही काम होता है अपने क्लाइंट्स के लिए ये सब करना। फिर आते हैं भैया, ये मैंने क्या कह रहा भैया, कौन है ये, क्या बोल रहे हैं, मैं इस टीम को इस समझ
पूरी पिक्चर हो गया। अब ये जो भैया सिखा रहे हैं कि 7 राउंड लगाने हैं, तो बताओ भैया कोच का काम क्या होता है बताओ। अब तुमने देखा कोच का काम क्या होता है, ट्रेनिंग देना, और साथ साथ वो साथ में उन्हें ट्रेनिंग देगा, हॉकी सिखाएगा और साथ के साथ क्या करेगा सर, है ना? नहीं, ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनको साथ साथ वो एंड में दिखाता है ना, गाइड करता है, गाइड यानी कोच जो होता है वो ट्रेनिंग देता है, यानी कोच इन हाउस ट्रेनिंग है आउट हाउस ट्रेनिंग है बताओ, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ऑन द जॉब, यानी कि बिल्कुल सिखाते सिखाते सामने सामने आपको ट्रेनिंग देगा, आपको कहीं दूर नहीं भेजेगा, कोच आपको खुद अपनी नजरों के सामने रखेगा। तो इसका मतलब कोच का ये काम होता है जो शाहरुख खान ने किया, क्या सर, गाइड करना और इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना, है ना, किट पहन और भगना शुरू कर चल, है ना, 10 चक्कर लगाइए 7 मिनट में यहां तक, तो वो आपको गाइड कर रहा है, ठीक है, कि भैया एंड में वो गाइड करता है, भैया ऐसी जगह सीधी खड़ी रहे, ऐसे कर वैसे कर, ना गाइड करता चिल्लाता है, और साथ में इंस्ट्रक्शन भी देता है कि टाइम टू टाइम ट्रेनिंग को कैसे काम करना है। अगर ये वर्ड लिखे मिल रहे हैं, अगर ये वर्ड लिखे मिल रहे हैं एमसीक्यू में कि ये छुपा हुआ होगा और ये लिखा आएगा, इन दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग सुपीरियर कोच भी नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, सुपीरियर गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द ट्रेनी, है ना, सुपीरियर गाइड कर रहा है और इंस्ट्रक्ट कर रहा है ट्रेनी को, गाइड और इंस्ट्रक्शन, तो ये कीवर्ड किसके लिए बनेगा सर, कोच, बात समझ में आ गई, राइट। ट्रेनी सीधा किसके अंडर में काम करता है, सीधा मैनेजर के अंदर, शाहरुख खान को ऐसा कैसे रखा गया, एज अ मैनेजर, कि जो ट्रेनिंग है ट्रेनी है वो सीधा अपने मैनेजर के अंडर काम करता है, उसके नीचे कोई हायरार्की नहीं होती, यानी आप सीधा जो आपका इंस्ट्रक्टर है ना आप सीधा उससे डायरेक्ट बातचीत करते हैं, तो क्योंकि आप सीधा मैनेजर के अंदर काम कर रहे हैं, मैनेजर से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, इसलिए हम उस मैनेजर को कंपनी के अंदर क्या बोल देते हैं, कोच बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं मुन्ना, नहीं शाहरुख खान तो कोच है, लेकिन अगर तुम एक कंपनी में जाओगे, मान लो तुम टाटा में गए, तो टाटा में मैं फिर यहां पे आ गया, ऐसे करते थोड़ी आ जाएंगे तुम्हें, तो भैया शाहरुख खान टाटा में अगर मैनेजर की पोस्ट पे है, तो उस मैनेजर को, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, गाइड कर रहा है, तो शाहरुख खान को एज अ मैनेजर क्या बोला जाएगा, कोच बोला जाएगा, दैट आई एम योर कोच, आई एम योर टीम, आजकल बताओ उस कोच को क्या बोल देते हैं, टीम लीडर बोल देते हैं भाई, क्या बोल देते हैं, आप किसे पूछो भाई, है ना, आप किसे पूछो भाई तू किस पोस्ट पे है, भाई मैं टीम लीडर हूं, टीएल शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, टीएल, टीम लीडर, तो टीम लीडर ये कॉमन शब्द है, हर कंपनी का शब्द है, आप पहले इंप्लॉय थे, फिर आपका एक्सपीरियंस हो गया, फिर आपके अंदर 10 जनों की टीम रख दी, आपको बना दे टीएल, आप क्या हो गए, टीम लीडर, तो टीम लीडर का मतलब क्या, कोच हो गए ना, आप सीधा अपने 10 जनों को समझा सकते हो भाई ऐसे करना है ऐसे करना है, तो टीएल की नॉर्मल इंप्लॉय से हायर पोस्ट होती है, हायर सैलरी होती है, हायर ड्यूटीज होती है, है ना, टीम लीडर। और भैया अगला काम जो होता है वो होता है बैंक में, भैया एक दिन मैं बैंक गया, एक अंकल जी मिले, अरे बेटा तुम फिर से आ गए, अंकल जी काम तो करते ना हमारा, है ना, फिर से बुलाते रहो मुझे, ठीक है, अंकल जी ने मेरी पासबुक में एंट्री कर दी, मैंने कहा अंकल जी सदा सुखी रहो, सरकारी बैंक था बहुत दिनों बाद, एक मेरे घर के पास बैंक है सिंडिकेट बैंक, अब तो कैनरा हो गया, वो कैनरा सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया ना कैनरा में, हाँ 2020 से 2000 जो भी चल रही है ना इस डेट तक मेरी पासबुक में एंट्री नहीं हुई, और मैं 2020 से अब तक कम से कम 20 चक्कर लगा चुका हूँ, हर तीन चार महीने में जब भी जाऊँ नेटवर्क ना आ रहे, सर्वर ना आ रहे, कभी पासबुक मशीन खराब है, अरे भाई SBI हो कोई भी हो, ये हर सरकारी बैंक का ये चक्कर है, कबूतर बना के उड़ाते रहते हैं, भैया भाई भैया भैया कल आ जाना, मैंने कहा अंकल मैं कल आया था, कल आपने बोला था भैया कल आ जाना, तो आज वो कल है भैया, हाँ चलना नहीं, मशीन नहीं चल रही, सर्वर नहीं आ रहा, देखो ये भी तो बैठे सर्वर नहीं आ रहा, भग लो फिर वहां से, अरे हाँ चल तो ऑनलाइन जमाना, ऑनलाइन में वो ना चलती ऐप ढंग से, अरे ऑनलाइन जमाना ऑनलाइन से निकाल लेना, अबे ऑनलाइन में ऐप तो चले तुम्हारी, अच्छा मुझे बताओ किस अमाउंट की जरूरत है ये बताओ, मैं प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ, भैया मुझे बता दो मेरे साल में इंटरेस्ट कितना है, मुझे अपने CA को बताना इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, अच्छा ठीक है वो बोलो अपना अकाउंट नंबर बोला, प्रिंट दिया, इंटरेस्ट की डिटेल आ गई, भाई इंटरेस्ट में इनकम हो गई दिखाने के लिए, पासबुक में एंट्री ना करके दी, कई साल हो गए भैया बताओ यार, है कि नहीं बात। हाँ अगली बार गया, अंकल जी ने कहा था 3 दिन बाद आ जाइयो, अंकल जी कहाँ हैं, अंकल जी वहाँ चले गए लोन डिपार्टमेंट में, मैं अंकल जी तुम लोन डिपार्टमेंट पहुँच गए, अरे मैं कह दूँ, अरे भैया कर दे बहुत दिन से आ रहा है, ठीक है उसने ना करी, फिर अगले दिन गया,
अरे भैया जो भैया जो आंटी जी यहाँ बैठी थी वो कहाँ चली गई? वो कैश काउंटर पे बैठी है। मैं आंटी तुमने परसों बोला ना, कह रहे भैया मैंने कैश पे बिठा दिया, भैया क्या करूँ मैं, ये करेगा जो करेगा। अब ऐसे घुमा सरकारी ये घुमाता, तो भैया मैं क्या करूँ ये करेगा। तो मैंने कहा एक अंकल जी जो पहले किस पे थे पासबुक, अब वो कहाँ चले गए? फिर वो कहाँ चले जाएंगे कैश में, फिर वो कहाँ चले जाएंगे लॉकर के उसमें ना, और कुछ साल बाद वहां नहीं जाएंगे, कुछ साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे और हम चक्कर काटते रहेंगे, भैया पासबुक में एंट्री ना हो रही 2020 से अब तक, है कि नहीं बात, राइट। अब इसको पता क्या बोलते हैं, एक ही अंकल जी से सारा काम करवा लो, तुम लोन भी काम उनसे करवा लो, अकाउंट का काम भी उनसे करवा लो, पासबुक की एंट्री भी उनसे करवा लो, कैश में भी उन्हें बैठा लो, कल को चौकीदार भी उन्हें बना लीजिए। तो उसे क्या बोलते हैं सर, जॉब रोटेशन। तो बैंक में काम होता है, ये काम मैकडी में भी होता है। पहले जो टिक्की सेक रहा पीछे, टिक्की जो सेक रहा अंदर, कल को तुम्हें कहां दिख जाएगा, बिलिंग काउंटर पे, है कि नहीं बात। जो बिलिंग काउंटर पे कल को कहां दिख जाएगा, बटन दबा के आइसक्रीम घुमा रहा हो गोल 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 गोल, ये ले है ना 20 रुपए वाली आइसक्रीम सुरिल वेनीला, है कि नहीं बात, वो वहां घुमा रहा होगा, है कि नहीं बात, राइट। और दूसरी बार वो कहां मिलेगा तुम्हें, मैकपक पे लगा होगा वो। तो भैया ये होता है जॉब रोटेशन, कि एक बंदे को क्या होने चाहिए सर, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मेन मेन सारे काम आने चाहिए। अच्छा जॉब रोटेशन भी कहां होती है, ऑफ द जॉब थोड़ी होती, कहां होगी, बैंक के अंदर ही होगी। तो क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन बैंक्स, है ना, फर्स्ट मंथ एम्प्लॉय डूइंग कैश जॉब, फिर लोन जॉब, क्रेडिट लोन जॉब, फिर अकाउंट जॉब, तो दिस इज कॉल्ड जॉब रोटेशन, है ना। इससे भैया हम काम भी सीख जाते हैं और हमारा डिपार्टमेंट आसानी चल जाता है, कॉपरेशन भी बना रहता है। क्या कीवर्ड होंगे इसके, एम्प्लॉय ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, शिफ्ट होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है, बोलो समझ गए सर। एक और है ना, एक और ट्रेनिंग होती है किसकी सर, ऑन द जॉब की, वो गलती से यहां पे प्रिंट होना रह गया, उसे लिख लेते हैं सर। पांचवी ट्रेनिंग होती है, लिखो रे पुष्पा, ओरिएंटेशन और इंडक्शन, ओरिएंटेशन और इंडक्शन। ओरिएंटेशन इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है, जो मैं तुम्हें बता भी चुका हूं, इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉई टू अदर एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से मिलाना, ये होता है। और क्या होता है सर, एंड इंट्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशनल या कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन और एक दूसरे से मेल मिलाप कराना, इसे हम क्या बोलते हैं सर, ओरिएंटेशन, ठीक है, राइट। तो ये पांच तरह की ट्रेनिंग होती है, पांच तरह की ट्रेनिंग सर होंगी, ठीक है। तो इनको कैसे याद करेंगे सर, बहुत साल पहले गाना आया था, उस गाने के लिए हमें वो भी मिला था ऑस्कर, हाँ, अजय अजय जिंद सामी आने के तले जाओ, है ना। तो भैया ट्रेनिंग वालों ने क्या बोला, ट्रेनिंग वालों ने बोला हमें भी ऑस्कर मिलेगा, क्योंकि हम क्या बोले, हम क्या गाएंगे सर, जय हो। तो जय हो से क्या होगा सर, आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, जैसे क्या होगा सर, जॉब रोटेशन। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे एग्जाम में, बैंक, ऐसे क्या होगा सर, अप्रेंटिसशिप, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, 2 से 3 साल तक आप काम करते हैं और उस काम में आप निपुण हो जाते हैं। आई से क्या होगा सर, इंटर्नशिप, अंकुर भैया, सीए, डॉक्टर, 3-4 साल की ट्रेनिंग होती है, सीए में 3 साल की होती है। एच से क्या होगा, शाहरुख खान, हमारे कोच, हमारे कोच,
मेरे को सिर्फ एक ही नाम सुनाई देता है, किसी स्टेट का नाम नहीं, और वो नाम है इंडिया। खेलना है तो देश के लिए खेलना है, रेलवे क्वार्टर्स के लिए नहीं खेलना, है ना, राइट। तो भैया हमारे कोच कौन? शाहरुख खान। और उसे क्या होगा जो भी लिखवाया? ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। बोलो, समझ गए सर? ठीक है, ये तो गई सर हमारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, गाना गाते हुए जय। फिर सर ऑफ द जॉब में, सिर्फ हमारे कोर्स में, ऑफ द जॉब में होती तो बहुत सारी ट्रेनिंग है, पर ऑफ द जॉब में हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही ट्रेनिंग है, जो मैंने, जिसका एग्जांपल मैंने तुम्हें दे दिया। कौन सा भैया? हाँ, आपके पास ऐसी सोफिस्टिकेटेड या टेक्निकल या कॉम्प्लेक्स मशीनरी होगी जिसको आप क्या नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट नहीं चला पाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? बाहर एक्सपर्ट के पास जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, राइट। तो वो होती है सर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये लिखी बात। उसे हम बोलते हैं क्या? विस्टिबल ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं मुन्ना? विस्टिबल ट्रेनिंग। जैसे कि, जैसे फोटो बन रही है ना, फोटो स्पीक्स 1000 words, है ना सर। अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो पहले लैब में क्या किया जाता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है। अब भैया इंडिया में परमाणु बम बनाया, वो देखे ना पिक्चर पोखरण, जॉन इब्राहिम वाली, अच्छा नाम परमाणु था, हाँ पोखरण तो उसका वो था, जगह का नाम राजस्थान में, तो राजस्थान में एक जगह पोखरण है ना, तो पोखरण उसको बोलते हैं, पोखरण प्रोजेक्ट, है ना। तो नाम पिक्चर का था परमाणु, जॉन इब्राहिम की, तो उसमें अगर हमें परमाणु बम बनाते हुए दिखाया, है ना, परमाणु बम बनाते हुए दिखाया, तो पहले टेस्टिंग करनी पड़ेगी ना कि फूट भी रहा ना फूट रहा हो, पता लगा फूस हो गया है नहीं बात, राइट। तो ऐसे खतरनाक मशीनरी, खतरनाक बातें और खतरनाक काम अगर करना होता है तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है? एक लैब बनानी पड़ती है, ठीक है। अब कोई एक्सपेरिमेंट करना है जो हॉलीवुड वाले करते हैं, ठीक है, वुल्वरिन के अंदर पहले वो हड्डी हड्डी निकलती थी, उसके अंदर स्टील डाल दिया, ले भैया स्टील भर दिया उसके अंदर, अब वो क्या निकल रहा है? स्टील है कि नहीं बात। कैप्टन अमेरिका की मैंने तुम्हें दिखाई दी ना पहले, पहले वाले चैप्टर में, कैप्टन अमेरिका की पतला सा जाता अंदर, बॉडी बिल्डर बनकर निकलता है कैप्टन अमेरिका, ऐसे तो बनता मशीन के अंदर। तो पहले एक्सपेरिमेंट तो करोगे किसी के ऊपर, या सीधा आदमी को घुसा दिया और भैया है ना इंजेक्शन लगा, ये क्या होगा भैया इसके साथ, ऐसा थोड़ी होगा यार, किसी की जान थोड़ी ले लोगे ऐसे। तो भैया वो विस्टिबल ट्रेनिंग होती है जिसमें इतना खतरनाक काम, मशीनरी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि आप एक डमी के ऊपर वो काम करोगे। इसलिए आपने देखा होगा मेडिकल, मेडिकल साइंस कभी भी डायरेक्ट ह्यूमन के ऊपर टेस्ट नहीं करता, किसके ऊपर करता है? चूहे के ऊपर, बंदर के ऊपर, खरगोश के ऊपर, और जो हमारा वॉटसन है ना, वॉटसन भूल गए, हाँ आ रहा बताएगा वॉटसन कौन, अरे डॉक्टर वॉटसन, अरे शेरलॉक होम्स के दोस्त भैया, अरे शेरलॉक होम्स ना देखी? तो भैया डॉक्टर वॉटसन है, वो भी तो किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं? कुत्ते के ऊपर तो करते हैं वो भी, ठीक है। तो बंदरों के ऊपर, चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट। अब जैसे कोरोना की दवा आई क्या, फाइजर, इंडिया में कौन सी लगी, कोवैक्सीन, तो इनका जो एक्सपेरिमेंट किया होगा पहले किस पे किया होगा? पहले तो भैया चूहे, खरगोश और बंदरों पे किया जाता है। भैया इंसान पहले बंदर था, पहले बंदर पकड़ लिए, ले भैया इंजेक्शन लगा दिया, है कि नहीं बात। उसके बाद फिर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, ह्यूमन ट्रायल समझते हो ना, राइट, कि भैया बंदरों पे सक्सेसफुल हो गया, अब किसी बंदे को अगर कोरोना है तो एक बार उसको लपेट लेते हैं, तो वॉलंटियर है ना, तो भैया है ना, तभी तो ह्यूमन ट्रायल, वो वॉलंटियर्स होते हैं। हाँ ह्यूमन फेल हो गया तो जिस वॉलंटियर को आपने लिखा होता है तो साइन किए होते हैं डॉक्यूमेंट्स, हाँ, तो इसके लिए मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ, इसलिए तो उन्हें वॉलंटियर्स बोला जाता है, वॉलंटियर्स जो काम अपनी मर्जी से करते हैं, जो सरकार से कहते हैं वी आर कोरोना वॉलंटियर्स, तो उनको बकायदा वो कंपनसेशन और इंश्योरेंस करते हैं उनका, कि भैया आपने मेरे को, भैया मान लो कोरोना है अगर, और मेरे ऊपर आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कर दिया, ठीक है, तो मुझे कहा जाएगा कि भैया अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे परिवार को मिलेंगे भैया 50 लाख रुपए, और सही हो गए तो कोरोना की दवा फ्री है, तो मान ली है कि नहीं बात, राइट। और क्योंकि तुम क्या कहते हैं, तो शुरू शुरू में यही होता है, फिर भैया एक्सपेरिमेंट सफल हो गए, ले भैया फिर तो सब आओ लाइन में लगो, घटाकट घटाकट घटाकट, मैंने भी लगवाए थे दो, है ना, राइट। तो भैया फिर वो एक्सपेरिमेंट हो गए। तो इसलिए ऐसी मशीनें जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ऐसे टेस्ट जो कॉम्प्लिकेट होते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग कहाँ होती है सर? तो देखो ये लिखिए बात,
एक बिल्कुल वैसा डुप्लीकेट एनवायरमेंट बनाया जाता है जो ऐसा लगे कि सच में रियल है। राफेल प्लेन को बिल्कुल ऐसा बनाया जाएगा जैसे लगेगा आप रियल का प्लेन उड़ा रहे हो, ताकि आपको रियल में और डुप्लीकेट में फर्क समझ में ना आए। जब आप रियल उड़ाओ तो आपको लगे ये तो मैं उड़ा चुका हूं भाई पहले भी, है कि नहीं बात, राइट। इक्विपमेंट वेल बाय यूजिंग ट्रेनिंग कंडक्ट अवे फ्रॉम, एक तो एक्चुअल वर्क से बिल्कुल अवे होगा, यानी कि आप अपने वर्क पे क्या नहीं करते, आप ट्रेनिंग नहीं देते, ठीक है ना। बिल्कुल सेम डिट्टो रिप्लीकेशन बनाया जाता है, डुप्लीकेट एटमोसफेयर बनाया जाता है, वर्किंग एनवायरमेंट को क्रिएट किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जो मशीन आप चलाओगे वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और इतनी एक्सपेंसिव है, इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि ओरिजिनल मशीन पे अगर आपको बिना ट्रेनिंग दिए बैठा दिया तो आपकी जान इतनी कीमती नहीं जितनी उसकी कीमती है मशीन की। तो राफेल वाले कह रहे हैं पायलट तो कूद जाएगा पहले सूट लेके, भाई 2000 करोड़ निकल जाएंगे, फिर जनता कहेगी बताओ यार जनता का पैसा, टैक्सपेयर का पैसा बर्बाद कर रहे तुम, है कि नहीं बात, राइट। तो वो इतनी खतरनाक मशीन होती है, इट ऑल्सो डज नॉट डिस्टर्ब एक्चुअल वर्क, इसलिए हम एक्चुअल वर्क को बिना डिस्टर्ब किए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की जाती है। अब जैसे कोई मिसाइल का परीक्षण करते हैं तो तुमने सुना होगा समुद्र में किया जाता है कि नहीं बात, हमने तोप से गोला छोड़ा, मिसाइल जा रही है तो कहां गिरती जाके, समुद्र में गिरती है, यानी किसी इंसानी एरिया में नहीं गिरती। हाँ थोड़ा बहुत जानवरों को शायद जो समुद्री जीव है उनका नुकसान हो जाता होगा भाई, वो बात अलग है, लेकिन किसी इंसान को हानि नहीं पहुंचती। तो ये जितने भी परीक्षण होते हैं, जितनी भी टेस्टिंग होती है लेबोरेटरी में, या तो लैब में की जाती है या भैया इंसानी आबादी से बहुत दूर की जाती है, हैं? हाँ रेगिस्तान में हो गया और कुछ समुद्र में, ज्यादातर मिसाइल समुद्र में टेस्ट की जाती है कि चाइना ने ये वहां के समुद्र में टेस्ट करी, इंडियन ओशन में हमने समुद्र में टेस्ट कर दी, राइट। तो ये सोफिस्टिकेटेड मशीन होती है जिनको क्या करते हैं आप ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मिलती है। तो ऑफ द जॉब में सिर्फ एक ही है हमारा डिस्ट्रीब्यूट ट्रेनिंग, हमारे एग्जाम में आप आसानी से पहचान जाओगे। क्या इसका कीवर्ड है, पहला कीवर्ड अवे फ्रॉम, बोलो दूसरा कीवर्ड क्या होगा, सिमिलर क्लासरूम क्रिएट किया जाएगा बिल्कुल डुप्लीकेट उसके जैसा, इसका मतलब ओरिजिनल नहीं है डुप्लीकेट है। और तीसरा कीवर्ड क्या होगा, मशीनरी कैसी होंगी, हाईली एक्सपेंसिव और सोफिस्टिकेटेड। बोलो समझ गए मुन्ना। तो ये था आपका कौन सा सर, बोलो ट्रेनिंग क्या था मुन्ना ये, चलो देखते हैं तुम पहचान रहे नहीं पहचान रहे, होश में पहचान लेना होश में। बताओ भैया, अनुष्का जी आ गई विराट कोहली से पूछे बिना, जल्दी बोलो, नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ट्रेनिंग विच अनुष्का हैज बीन आस्ड, जिसको कहा गया तू ये ट्रेनिंग करके आ मुन्नी, है ना, और ब्रीफली एक्सप्लेन वन मेथड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। एक तो एक मेथड बता दो ऑफ द जॉब का, और एक ये बता दो कि अनुष्का को कौन सी ट्रेनिंग करनी चाहिए। एज ए पार्ट ऑफ कोर्स शी हैज बीन आस्क्ड टू टेक द ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ताकि वो डिजाइनिंग सीख पाए और एक्सपोर्ट हाउस को ज्वाइन कर पाए। ये सोचो यही टपक गया तुम्हारे एग्जाम में, 4 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1, 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2। इंटर्नशिप और कोई बालक, सेकंड का तो एक ही है विस्टिबल, उसमें दिमाग लगाने नहीं, उसमें जो 3 पॉइंट है वो चिपका के आने, उसमें 2 नंबर मिल जाएंगे तुम्हें विद एग्जांपल लिख के आना। पहले का बताओ, एक बालक बोला इंटर्नशिप, दूसरा ऑफ द जॉब क्या है अनुष्का को, तो ऑफ द जॉब में वो कौन सी ट्रेनिंग ले ले, ऑफ द जॉब में तो जय हो 5 है, तो जय हो में से किस में जय करनी है उसको, इंटर्नशिप में क्या होता है आपके कोर्स का क्या होता है मुन्ना, वो हाँ हिस्सा होता है। तो भैया अब वो क्या कर रही है, अरे नलायको कोर्स कर रही है नहीं कर रही फैशन डिजाइनिंग का, अब फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है और उसको बोला गया फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के तहत तुझे क्या करना पड़ेगा, 15 दिन की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, है ना। अब चाहे CA हो चाहे MBBS हो चाहे फैशन डिजाइनिंग के अंदर 15 दिन की ट्रेनिंग हो, अगर मेरे कोर्स के अंदर कीवर्ड क्या है, अगर मेरे कोर्स के अंदर मुझे ट्रेनिंग कराई जा रही है, मेरी पढ़ाई करिकुलम के अंदर ट्रेनिंग की जा रही है, तो क्या होगा सर, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अब ये लिख देना, चाहे वहां से याद कर लो यहां से याद कर लो,
एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ टाइप किया जाता है ना, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको सिखाया जाता है ताकि आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले सके, जो आप किताब पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज आप वहां पर जाके ले सके। तो मुन्ना ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से पढ़ना है। कीवर्ड क्या है? कोर्स के दौरान आपके कोर्स करिकुलम में बिफोर फाइनल एग्जामिनेशन इस तरह के वर्ड लिखे मिलेंगे तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग होगी। 31 पे आ जाओ रे पुष्पा। अब गलती मत कर दीजिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस अभी यहीं से पढ़ लेंगे तो कोई टेंशन है नहीं। मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन का जवाब ढूंढना है, टाइप ऑफ ट्रेनिंग विच फूड दरबार प्रोवाइड टू इंप्लॉय, अपने इंप्लॉय को किस तरह की ट्रेनिंग दे रहा है, ऑन द जॉब दे रहा है, ऑफ द जॉब दे रहा है, और ऑन द जॉब में दे रहा है कौन सी दे रहा है। बहुत आसान है भैया, बहुत आसान। ऑन द जॉब में, ऑन द जॉब में जे हो में अप्रेंटिसशिप, ठीक है। एक बालक कह रहा है अप्रेंटिसशिप होगी भैया, अंकुर भैया अप्रेंटिस मुन्नी का कह रही तू, पढ़ ले पढ़ ले। दूसरा वाला कह रहा है अप्रेंटिसशिप, आरव हाँ मुन्नी कसम है तुझे तेरे एक्स की बता दे अप्रेंटिसशिप वो नहीं बता रही, पीछे वाली हंसती रहेगी पर बताएगी कुछ नहीं सर। अच्छा ये बताना, इससे क्या पता लग रहा तुम्हें? ट्रेनी लर्न द स्किल नेसेसरी फॉर रनिंग ईच 12 वर्क स्टेशन, एक ट्रेनी 12 वर्क स्टेशन 12 जगह का काम सीखता है। कराली ने भेज देती है, पांचों की पांच सबके सब ने कराली, नहीं कराली भेज देती। अप्रेंटिसशिप कहां लग रही तुम्हें? अप्रेंटिसशिप में तो कारपेंटर, क्या लिखा था? ये बहुत बढ़िया। तो भैया जॉब रोटेशन है, हर एक एम्प्लॉय को अलग अलग वर्क स्टेशन पे भेजा जा रहा है सिखाने के लिए। अप्रेंटिसशिप में तो क्या होता है सर? लेबर प्लम्बर ऐसे तरह का काम होता है, और अपने साथ रखा जाता है, 2-3 साल की ट्रेनिंग होती है, और इस तरह से आप उसको है ना प्रोसेस में लाते हैं। जहां स्टेशन बदल रहे हैं, जगह बदल रही है, वो क्या होगा सर? अब देखो ट्रेनिंग में क्या होगा, ट्रेनिंग क्या करता है सर? स्किल्स। और ये क्या होता है सर? ओवरऑल ग्रोथ। पहला डिफरेंस समझ में आ गया था हमें। पर्पस क्या है? आप अपने काम को बेटर करें। आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, दाढ़ी बढ़ रही बाबा बन के आ रहे हो ऑफिस में है ना, हमें इससे कोई मतलब ना है। तुझे काम आना चाहिए भाई, तू निक्कर में आ जा स्कूल कोई दिक्कत नहीं है ना, तुझे काम आना चाहिए बस, है कि नहीं बात। यहां क्या होता है सर? ओवरऑल ग्रोथ और ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है। उससे कहा जाता है तुझे काम आने के साथ साथ भाई तुझे फॉर्मल ड्रेस में आना है, होश में रह ले तू, है कि नहीं बात, राइट। और ये क्या है, बाबाओं की तो दाढ़ी बढ़ा रखी है, क्लीन शेव, वो क्या आना क्लीन शेव, सब दाढ़ी बढ़ाने की शक्ल पहचान में नहीं आती है ना, राइट। फॉर्मल ड्रेस में आना है, प्रॉपर क्लाइंट से बात करनी है ना, भाई ये काम कर देगा, मैं ना कर रहा है खुद ना कर सके ऐसी, भाई ऐसी बात नहीं कर, भाई यूपी वाली भाषा नहीं यूज करनी भाई, है कि नहीं बात, राइट। प्रॉपर स्कोप क्या होता है सर? ये सिर्फ जॉब ओरिएंटेड होता है, यानी फोकस सिर्फ किस पे है? तुम्हारे काम पे, तुम्हारी पर्सनैलिटी पे कोई फोकस नहीं है। किस पे है सर? ये कैरियर ओरिएंटेड होता है ना, कि आपको काम के साथ साथ आपका इंटरनल डेवलपमेंट, आपका अपीयरेंस भी क्या करता हो, मैटर करता हो, है कि नहीं बात। जैसे एयर होस्टेस फ्लाइट स्टीवर्ड, उनको काम भी आना चाहिए, उनको बोलना भी आना चाहिए, है कि नहीं बात, और फॉर्मल ड्रेस भी होनी चाहिए। बात समझ आ गई? बोलो समझ गए सर? आखिरी नहीं, ये तो प्रोसेस सिलेक्शन है ना। अब देखो ये वाली बात जो हमने कल डिस्कस की थी, व्हाट मेथड ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट शुड कंपनी इनिशिएट, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, कल डिस्कस की थी ना, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। हाँ आखिरी है, 35 पढ़ो,
क्या आप, ये वो क्वेश्चन है जो आउट ऑफ कोर्स होते हैं, आप क्या सजेशन दोगे कि आपके जो क्रू मेंबर हैं उनमें कुछ इंप्रूवमेंट आए, ये ना कि एक दूसरे को कूट रहे हैं। है ना, पहले केस स्टडी पढ़ ली। 3000 मेंबर है आपके पास, ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, है ना। उनको लग रहा है उनकी जॉब में कोई मजा नहीं रहा, और वो कह रहे हैं भाई छोड़, इससे बड़े जिंदगी बेकार है भाई, इंटरेस्ट नहीं आ रहा उनको जॉब में, जिंदगी खराब है। अरे भैया मेरे तो जिंदगी खराब हो, कह रहे भैया, है ना, बिल्कुल ऐसे। अब एज अ मैनेजर तुमसे सलाह ली जा रही है, भाई ऐसा हम क्या कर देंगे, क्या करना चाहिए। हाँ, अब ये जो चीजें हैं ये सब बच्चे कहते हैं आउट ऑफ कोर्स है, भाई आउट ऑफ कोर्स क्यों है, तो खुद अपनी मर्जी से लिखने वाले क्वेश्चन है। आप क्या करो, ये चीजें उनको इंश्योरेंस दे दो, उनके बच्चों का एजुकेशन दे दो, तो उनको लालच आएगा यार कम से कम मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए कंपनी मेरे पैसा दे रही है, जॉब तो करनी पड़ेगी। ठीक है, वर्किंग आवर थोड़े कम कर दो, सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती थी भैया, बस तो हर दिन चलनी है, तो शिफ्ट में लगा दो भाई, देख तेरी मंडे ट्यूजडे छुट्टी रहेगी, तेरी सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, तो एम्प्लॉय को बता दो भाई तुम्हें 2 दिन के 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, तुम चूज कर लो कौन सा है। नहीं बात, इंटरवल दो भाई कि भैया अगर कोई बंदा क्या कर रहा है सर, हाँ पावर नैप, बीच में इंटरवल ले ले भैया, लंच ब्रेक ले ले, एक बस तू लेके गया गाजियाबाद से, तू नोएडा आया तो तुझे 2 घंटे का रेस्ट दे दिया भाई, है ना, आराम से 2 घंटे बाद वापिस जाइयो, खाना प्रोवाइड कर दो। अब अगली क्वेश्चन क्या आता है, इज इट पॉसिबल टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर बाय सुटेबल टाइप ऑफ ट्रेनिंग, क्या किसी ट्रेनिंग से उनका बिहेवियर बदला जा सकता है जिससे उनकी जॉब में इंटरेस्ट बढ़े, बताओ। अब ये क्वेश्चन ये है कि मुझे जय हो में से कोई भी बात लिखनी है, विजिटेबल तो दोगे नहीं, है ना, जय हो जैसे क्या सर, जॉब रोटेशन, अप्रेंटिसशिप, है ना, इंटर्नशिप, ठीक है। अब सुटेबल टाइप ऑफ ट्रेनिंग, इंटरेस्ट नहीं मतलब उनका काम में मन लगे, उनको काम करना अच्छा लगे, है ना, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करें। तो भैया जो भी बेस्ट हो, आप जो बेस्ट हो वो दे दो। अच्छा बताओ जैसे क्या बनेगा, जॉब रोटेशन। अब जो ड्राइवर है वो टिकट थोड़ी काटेगा, और जो टिकट काटने वाला कह रहा मुझे ना आती बच्चा लानी भैया, तो जॉब रोटेशन तो कर नहीं सकते आप, एक बस से दूसरी बस में भेज दो तो वो जॉब रोटेशन नहीं है, वो तो बस ही चला रहा ना। ऐसे क्या होगा सर, एक तो ये हो सकता है, लेकिन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होते कि भाई आप अपने नीचे से सिखा रहे हो, ऐसे क्या होगा सर, इंटर्नशिप मतलब कोर्स का पार्ट होता है, यहाँ कोई पढ़ाई थोड़ी चल रही है, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे क्या होगा सर, हमारे कोच शाहरुख खान, ठीक है ये हो सकता है। और उसे क्या होगा सर, ओरिएंटेशन, तो भैया क्या होता है फैमिलियराइज कराना, ये है। तो या तो आप एग्जाम में लिख सकते हो ये, और या एग्जाम में लिख सकते हो हमारे कोच शाहरुख खान। तो यहाँ लिखा है इज इट पॉसिबल कि आप उसको बदलाव ला सकते हैं बाय कोचिंग। कोचिंग से क्या होगा बताओ, रिक्वायरमेंट इन द बिहेवियर परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, कोच गिव्स इंपॉर्टेंट, कोच क्या करेगा सर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल को समझाएगा, ऑब्जेक्टिव देगा, यानी कोच आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और गाइड करेगा। शाहरुख खान क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा कि भाई काम तो काम होता है, जॉब इज जॉब। अच्छा बस चलाना छोड़ देगा, अब क्या करेगा ये बता, रिक्शा चलाएगा, अपना ऑटो चलाएगा, है कि नहीं बात, राइट। इस तरीके से यहां तेरे को छुट्टी मिल जाती है, अपना ऑटो चलाएगा, ऑटो ऑटो के झगड़े, पुलिस वालों के झगड़े, यहाँ खड़ा मत करो, वहां खड़ा मत करो, कभी ग्राहक से झगड़ा, है कि नहीं बात। फिर 7 दिन चलाएगा क्या, जिस दिन ऑटो नहीं चलाया बीमार होगा उस दिन क्या होगा, पैसे नहीं कमाएगा, यहाँ तो बीमार भी होगा तो सिक लीव मिलेगी। तो समझाएंगे भैया कंपनी के बारे में कि भाई तूने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रखी है, एक कंपनी ज्वाइन कर रखी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी, तुझे तू इंप्लॉई है, तेरे को सारे बेनिफिट मिलेंगे, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, तुझे अच्छी तनख्वाह मिलेगी, तेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे मिलेंगे, चिंता मत कर, खाना भी तो कंपनी देती है, जो ऑटो चलाएगा तो खाना कहाँ से बनाएगा, खुद बना लेगा, बाहर ही खाएगा रोज, यहाँ कंपनी तुझे खाना भी देती दोपहर को, है कि नहीं बात। तो जो कोच होता है वो उनके दिमाग को पढ़ के उनकी प्रॉब्लम को समझ के समझाता है कि तुम्हारी दिक्कत है, शाहरुख खान पिक्चर में समझाता है, मैन टू मैन मार्किंग वाली वीडियो दिखाई थी मैंने तुम्हें कि मैन टू मैन मार्किंग यही तोड़ सकती है। तो कोच दिमाग को पढ़ के समझाता है। तो कोच सबसे बेस्ट ट्रेनिंग होती है क्या करने के लिए, अगर आपके एम्प्लॉय को क्या देना है सर, अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है। तो याद रखना अगर क्वेश्चन में लिखा गया किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए बेस्ट ट्रेनिंग कौन सी होगी, तो आप क्या बोलोगे, कोचिंग। समझ गए पुष्पा, रुक जाओ भैया,
नहीं मैं बता रहा हूँ कुछ पढ़ा है ना, ये जो क्वेश्चन है ना ये तुम्हारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कौन से? तो ये जरूर पढ़ लेना। जैसे कौन सा पढ़ना है, मैं 35 करा दिया, 34 को जरूर पढ़ लेना, है ना? राइट, ठीक है। और आपने 36, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन जरूरी है, एक इसको जरूर पढ़ लेना। ये वो क्वेश्चन है जिसे बच्चा क्या बोलता है, सर सर आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गया। तो भैया ये आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा लीक से हटकर क्वेश्चन है। जैसे कि तुम्हें क्या पता लगेगा, 36 में पढ़ के वो पूछ रहा है तुम्हें क्या लगता है कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, अगले क्वेश्चन को क्या लग रहा है, वो क्या करे अपनी जॉब को परफॉर्म अच्छा करने के लिए, ठीक है ना? हाउ उसका रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो तीनों के तीनों क्वेश्चन तुम्हें क्या लग रहे हैं सर, तीनों क्वेश्चन में वो ये नहीं पूछा ट्रेनिंग कौन सी है, तीनों क्वेश्चन में नहीं पूछा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या हो रहा है, तीनों क्वेश्चन में नहीं पूछा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है इंटरनल रिक्रूटमेंट है कुछ पूछ रहा है, तीनों क्वेश्चन में नहीं पूछा एमआरपी टू पीसी में क्या क्या है, तीनों क्वेश्चन में पूछा केस स्टडी में पढ़ के ये बता दो तुम अपने दिमाग से क्या आंसर दोगे। तो ये आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं तो बच्चा लुढ़क जाता है। तो ये आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आपको करने हैं 32, 33, 34, 35, 36। कुछ मैंने करा दिए, क्वेश्चन मैंने दिखा दिए, ओके भैया चलो तो ये कंप्लीट करके आना है ना। चलो टाटा बाबा टेक केयर, परसों मिलेंगे भाई, मैं भी खाऊंगा।